की जो उस शख्स का जिगर है, उस शख्स का खून है, असालत है, दमी रखता है, असालत रखता है अपनी शजरे के अंदर, कि जो 85 ऐसे काम है जिनको वो बता नहीं सकते, मैं नहीं बता सकता, आप भी मैंने एक बार बता दी आपको जो खतरनाक बात है। भाई तभी फहरी से पाकिस्तान में साजिशों की जिनका थाला कमा कर किया ही जाएगा बंद कमरों में बैठ के। तकफीरी ग्रुपों को किनारे से लगाना, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला हमारी बका का था ये तकफीरियों की वजह से, तकफीरी ग्रुपों का किनारे से लगा दिया। पाकिस्तान में इस वक्त उंगलियों पे गिनने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान की अवाम की खिदमत कर रहे हैं, शियों की बात कर रहा हूं, शिया शख्सियात में उंगलियों पे गिनने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान में शियों की खिदमत कर रहे हैं, वो सब के सब उन्हें कायद मानते हैं अपना। पाकिस्तान में एक शिया टीवी चैनल है वो उन्हें कायद मानता है, हाफ शेख मोहसिन नजफी साहब यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, वो उन्हें अपना कायद मानते हैं। शब्बीर मिसमी साहब जाल बिछा दिया है स्कूलों का, तालीमी इदारों का, वो उन्हें अपना कायद मानती है। क्या ये सही साजिश का काम नहीं है? क्या वो उनसे मशवरे नहीं लेते होंगे? क्या उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है? लिहाजा पाकिस्तान की सरजमीन पर उलझन मुझ में, पाकिस्तान की सरजमीन पर मेरी उलझने अगर दूर हो जाती हैं, हो जाए तो शायद मेरे 50 समस्या हल हो जाए। और इतनी मुश्किल सरजमीन है कि जिसके हालात को उमूमी जगहों पर बयान भी नहीं किया जा सकता। तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो क़यादत है मराजे आज़ान की, ऐसी क़यादत दुनिया को नसीब नहीं है। तो इनके ज़ेर साया मसलन मेरे बड़े भाई होते हैं कराची मुस्लिम हदीद में, वो फरमा रहे थे कि आगार अखबार का जो फरमान है कि पाकिस्तान का जो वाहिद मर्द मुजाहिद है जिसने अपने सब्र के ज़रिए दुश्मन कुछ कर दिया, ये जो तकसीम बंदी के जो कायल हैं पाकिस्तान में जो मसल कायद को नहीं मानते हैं, ये मसल हमारे आगार अखबार के जो जो फरमान है, अगर फर का जो फरमान है वो उनको नहीं पता है, या मतलब वो उनको बताया नहीं गया है, ये क्या वजह है? आया ये मुमकिन नहीं है कि मराठे निज़ाम के जेर साया ये सब जमा हो के एक वहाँ पे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में तकसीम बंदी का जो है मुतमिन नहीं है। पहली बात तो मौलाना आप बात करिए, पहली बात तो ये कि होना तो यही चाहिए जो आप फरमा रहे हैं कि जाकर ड्राइवर से पूछ लिया जाए, जाकर आसिस्तानी से पूछ लिया जाए, जाके महाराज तकलीफ से पूछ लिया जाए कि कौन बुजुर्ग है, किसको बुजुर्ग माना जाए पाकिस्तान में। दूसरी बात यह कि मैं थोड़ा सा हमदर्दी रखता हूँ उन लोगों से कि जो रविश का इख्तलाफ सही साजिश से रखते हैं, रविश तरीके का इख्तलाफ, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की शिया जो मुझे माफ कीजिएगा जिस बेदर्दी के साथ मारे जा रहे हैं, जिस बेदर्दी के साथ हमारे साथ रवैये हैं, उसमें नजर आने वाले नतीजे सामने आए, तो वो उधर से साजिद इतने गहरे हैं, जुमला मैं कह रहा हूँ कि वो बताए भी नहीं कि क्या मामलात हैं, समझना पड़ता है, खुद निकालना पड़ता है ढोल डाल के कि क्या हुआ है, निकाल लेते हैं जो लोग निकालना चाहते हैं, निकालना जानते हैं वो मसला निकाल लेते हैं कि ये क्या हुआ है सारा, फिर उनसे जब बात करते हैं तो वो उसकी तब्दील करते हैं, खुद समझो, यानी उनकी रविश ये है कि खुद समझो मामला को, खुद उतारो अपने आप को मैदान में, महसूस करो कि क्या कैफियत है पाकिस्तान के हालात। ये जो रविश है ये रविश इमाम खुमैनी वाली रविश है, इमाम खुमैनी की रविश रहबर की रविश से ज्यादा मुश्किल थी, ठीक है। इसमें अमीर मोमिनीन की रविश, अमीर मोमिनीन की रविश की थी, अलबत्ता ये इताअत के अंदर रविश है, वो इमाम की रविश है, ये इताअतुल्लाह की रविश है, और मैं तालिबे इल्मों की बात कर रहा हूँ, उलमा में बात कर रहा हूँ, इससे तो गलतफहमी नहीं हो कि अमीर मोमिनीन से मिला के सही साजिश, मुझे पता है ना कि हमारे यहाँ का क्या मिजाज है पाकिस्तान का। इसमें क्या होता है कि वो जो मुअल्लिम है ना वो अपने शागिर्दों को मैदान में उतार रहा होता है, सीखो खुद समझो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्यों किया है तुम समझो, मैं नहीं बताऊंगा क्यों किया है, इल्लत मैं नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओगे कि मैंने क्यों किया है, उसे पता है
साजिद के बारे में मुझे जब एक ईरान में एक बुजुर्ग ने कहा कि दो जुमलों में सही साजिद के बारे में तबसरा करो, तो मैंने कहा कि इंतहाई मुश्किल शख्सियत और इंतहाई इश्क करने वाली शख्सियत, जाज़िबा और दाफिया भरपूर। कभी कभी तो मुझ जैसे को भी महसूस होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी पहचानने से इनकार कर दे। समझे मेरी बात? कभी कभी तो मुझे भी महसूस होता है कि कहीं ऐसा ना हो सही साजिद कहें कि मैं तो जानते ही कौन है, इतनी मुश्किल रविश है सही साजिद। जाज़िबा भरपूर, दाफिया भी भरपूर। इसलिए मैं हक देता हूं उन लोगों को कि जो हटकर काम करना चाहते हैं, कहते हैं हम इस रविश से मुत्तफिक नहीं है। मैं उनके उनकी भी दिफा कर रहा हूं और उनकी जानिब से अभी मेरी बात सही साजिद तक भी पहुंचेगी। मुझे मालूम है कि मैं वहां पर भी यही बात करूंगा कि साहब आपसे हम भी यही कह रहे हैं कि आपकी आपकी जो रविश है वो हर एक उसका मुताबिक नहीं है। जी सबका नारा भी यही है ना कि रहबत के फरमान पर जान कुर्बान, लेकिन अभी रहबत का फरमान कहाँ गया? जो फरमान है मौलाना, यहाँ तो कोई मुकदमा तो नहीं हो रहा जो मैं इसको देना हो यहाँ पे, क्योंकि अदालत तो लगी भी नहीं है जो फैसला था। मैं तो आपकी बात को यही कहूंगा कि बात आपकी रोशन है, वाज है, इस पर गौर करना चाहिए। अभी दो दिन पहले एक रिपोर्ट आई है जो हमारे एजेंसियों ने दी है सीएम सिंह को, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि पड़ोसी मुल्क जो है वो देश टेररिज्म में जो इन्फ्लुएंस है। एक महीने पहले की बात हो गई मौलाना जी, और ये एक पुलिस अफसर शोल्डर प्रमोशन का पुलिस अफसर, शोल्डर प्रमोशन के पुलिस अफसर कौन होते हैं? जो झूठी झूठे कार्रवाइयां डालकर अपना फूल बढ़वाना चाहते हैं, झूठी कार्रवाइयां दिखाकर अपना फूल बढ़वाना चाहते हैं, अपना सितारा बढ़वाना चाहते हैं। इन दाई नारे अफराद में से एक है वो फर्द, वो मेहरान बेस पे जो हमला हुआ था, वाकया हुआ था, उसमें मुजरिम था बाकायदा, और फिर 2 साल तक मुअत्तल रहा अपनी कुर्सी से, अपनी सीट से। उसने शायद किसी से पैसे लेकर ये बात की है और उन्हें राजी किया, जिसकी दलील यह है कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे ज्यादा खुश जो भी दिखाई दिया तो उस गयाउन से उसने कुछ मामला थे उसके, और फिर जो है वो झूठी बात थी। मैं ज्यादा इसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी मसला दो मुल्कों का मसला हो गया है, हमारे बोलने से उनके मामला में जो पेशरफ हो रही होगी उसमें रफ ना सकता है। दुआ फरमाए परवरदिगार आलम हमारे इस बैठने को इबादत शुमार फरमाना, जवारे अमीर मोमिनीन में, जवारे अंबियाए कराम में या अल्लाह हम सब की इल्मी हमारी सलाहियतों में इजाफा फरमा, हमारी आकिबत में खैर फरमा, उमूर मुस्लिमीन उमूर मोमिनीन हल फरमा। परवरदिगार हमारे सारे मसाइल का हल एक चीज में कोशिश आया, अगरचे कभी हजरत आयतुल्लाह बशीर साहब फरमा रहे थे कि इस तरह की दुआएं भी अपने लिए हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं। मौला हमारे सारे मसाइल का हर एक चीज में पोशीदा है, वो है वली असर का ज़ुहूर। या अल्लाह साहिब अल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा। एक सूरह फातिहा हाज़रीन के मरहूमीन के लिए, जिन दोस्तों ने एहतमाम किया है, ज़हमत उठाई है उनके मरहूमीन के लिए, शहदाए मिल्लत में खुसूस पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता दिनों में शहादत है, क्वेटा में और पंजाब में कराची में भी, उन सब शहादतों के शहीदों के सारे सबक के लिए दिला करता हूँ। नहीं, आपके आपकी हुकुम की तामील के तौर पर अर्ज करूँगा
कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला तदय्युन का ना होना है, यानी मुझे ये कहते हुए तकल्लुफ हो रहा है, लुकनत आ रही है कि अगर मैं अमां बाबा सर भी सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ाऊं जी। भाई वो वलीद जो था वो तो फासिक था ना, आदमी था, ये मैसेज तो आदमी भी नहीं जी, ये अखबार में खबर डालने वाला ये तो कोई आदमी भी नहीं है। कुरान कह रहा है कि अगर फासिक खबर लेकर आए तो फतवैयत हो उसके ऊपर और करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ऐसी वजह में पड़ जाओ जी कि तुम्हें मुश्किल हो जाए। तो ये जो मैसेज चला है, ये फेसबुक पर बात आई है, पता नहीं कौन है, फेक आईडी को बनाकर फेसबुक पर पेज बनाकर वो एक लियांगार उसने शुरू किए, हम उसको अगर आगे बढ़ा रहे हो, यानी मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि अगर कोई मामा के साथ इस हद तक काम कर रहा हो तो ये तदय्युन नहीं है, मोटी सी बात है, तदय्युन नहीं है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तदय्युन है, और तालिबे इल्मों से अफाजिल से मैं इंतहाई दस्तबस्ता और इंतहाई आरजाना अंदाज में गुजारिश कर रहा हूँ कि जो कौमी मामलात में शिद्दत है उसको कम करें, बुखार को कम करें, हरारत को कम करें, ये टेम्परेचर जो है 110 तक या पहुंचाए, इससे दिमाग फट जाते हैं, इससे इंसान में जियान बढ़ता है, इसको जरा नीचे लेकर आए, 80 तक ले आए, 90 तक ले आए, मगर इसके नीचे जाएंगे तो फिर ठंडा पड़ जाएगा इंसान, इतना तो होना चाहिए, मगर टेम्परेचर को नीचे लिया है, बुखार को कम करें। हमारे यहाँ अगर तालिब इल्म शिद्दत पसंद हो तो हम किसी और से क्या बात करेंगे। आपसे गुजारिश है, मैं इल्जाम और तोहमत नहीं लगा रहा, फिर मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, अगर आपने मुझे कहा तो मैं कह रहा हूँ कि बर्दाश्त करें, एहतराम करें शख्सियात का। मसलन अगर कोई अलमा राजा नासिर हुसैन साहब के साथ, नासिर अब्बास साहब के साथ काम करना चाहता है तो क्या ये लाजमा है कि उसे साजिद को एक मोटी सी माफ कीजिएगा कोई जुमला कहेगा तो फिर वो साथ देने वाला मुखलिस शुमार होगा, या सही साजिद के साथ जो अफराद है क्या ये लाजमा है कि वो किसी और को मोटी सी बात कहेगा तो वो उनका साथ देने वाला शुमार होगा। भाई क्या मास लाजमा है, सलीमों का फर्क है भाई, ईरान में 50 घड़े आज भी मौजूद है, जब भी रास्ते तो आज भी ईरान में मौजूद है, आप ऐसी ईरान के अंदर कितने ग्रुप मौजूद है, क्या यहां मसले हल नहीं हो रहे, पाकिस्तान में मसले हल हो रहे हैं भाई, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मसले हल हो रहे हैं। पाकिस्तान का आज का शिया गुजश्ता 10 साल वाले शिया से बेहतर जिंदगी गुजार रहा है, आपके स्कूल नहीं थे आज स्कूल बन रहे हैं, आपके अस्पताल नहीं थे आज अस्पताल बन रहे हैं, आपके जवानों की तबियत का एहतमाम नहीं था आज आपके जवानों की तबियत का एहतमाम हो रहा है, रोजगार के मामला आज शियों के बेहतर है, माजी से काम नहीं हो रहे शियों के, बेहतर हो रहे हैं, अब से 10 साल पहले जो काम हो रहे थे तशय्यों के उससे ज्यादा बेहतर आज काम हो गए। क्या उलझन है, मरने का मसला है सिर्फ, यानी जो शहादतें हो रही है तो ये तो पाकिस्तान का मुकद्दर है, पाकिस्तान में कोई महफूज नहीं है, पाकिस्तान में जहां पुलिस महफूज ना हो, रेंजर्स महफूज ना हो, जहां लॉ एनफोर्समेंट इदारे महफूज ना हो, पाकिस्तान का अगर ये मसले की बुनियाद पर हम आपस में बदएतमादी फैला रहे हैं या फैल रही है तो ये तो गलत बात है, ये मसला तो हल होने वाला नहीं है। पाकिस्तान का वजूद जुमला महसूस करें, वर्किंग के बाद ये जुमला कह रहा हूं, मेहनतों के बाद ये जुमला कह रहा हूं, नतीजा है बहुत सारे मुशाहदात का और बहुत सारी मालूम का, पाकिस्तान की बका पाकिस्तान की बदमनी में है, इदारे तय कर चुके हैं कि पाकिस्तान को बदमन रखना है ताकि पाकिस्तान रहे। इस पर गौर करते चले जाए मेरे जवान, कम से साथी बुजुर्गों को मैं कुछ नहीं कह रहा, पाकिस्तान की बका पाकिस्तान की बदमनी में, पाकिस्तान में ये सब कुछ होता रहेगा, कभी 2 साल के लिए ढीला जरूर होगा काम, 6 महीने के लिए हालात जरूर बेहतर होंगे, फिर पलट के वही हालात हो जाएंगे, इस बुनियाद पर हम इल्जाम का हाशिया करें वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा काम हो रहा है, हमारे 450 मदरसे हैं पाकिस्तान में, हमारे 100 से ज्यादा शिया स्कूल बन चुके हैं पाकिस्तान में, हमारे 4 कॉलेज बन चुके हैं पाकिस्तान में, मेडिकल कॉलेज और कैडेट कॉलेज बन रहे हैं पाकिस्तान में हमारे, हमारे जवानों को आला तालीम के लिए बाहर जाने का इंतजाम हो चुका है, स्कूलों का जाल बन चुका है पाकिस्तान के अंदर और तेजी से काम बढ़ रहा है, मुसलसल बढ़ रहा है, फलाही इदारे आपके जिसका एक छोटा सा इदारा मैं बनाने में कामयाब हुआ, यानी मुझे तौफीक हुई है, अल्लाह ने करम किया, हमारे पास 30 एम्बुलेंस हमारे पास पूरे पाकिस्तान में चल रही है जिसमें से 16 कराची में और बाकी मुख्तलिफ शहरों में, एक छोटा सा काम है जिसके इतने नतीजे दिए हैं कि अगर मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करूं तो 2 घंटे चाहिए,
अहले सुन्नत के दरमियान हमारा रसूख बढ़ गया है, ईसाइयों में हमारा रसूख बढ़ गया है, तशय्यो की निशानी के साथ, शियत की अलामतों के साथ अपने आप को गुम करके जिंदगी नहीं गुजार रहे। पाकिस्तान का मौजूदा दौर तशय्यो के हवाले से बेहतरीन दौर है, फलाही रिफाही हवाले से। जहां तक बदअमनी का मसला है तो पाकिस्तान की बदअमनी है, उसमें सब शरीक है। आपसे गुजारिश मौलाना के ऊपर ये करूंगा, इंतहाई आरजाना और इंतहाई और दबाना के वसत कल्बी का मेरी सिंध के लोग मुजाहरा करें, बर्दाश्त करें, एहतराम की फिजा को ज्यादा बनाएं, टोके। मुझे रहमान ने फरमाया ना कि अगर कोई आदमी इख्तलाफ की बात कर रहा हो, लड़ने की बात कर रहा हो, बदगुमानियों को फैला रहा हो, तोहमतों को आम कर रहा हो, तो फौरन समझो कि किसी का एजेंट है। मैंने कह रहा लेकिन मिजाज बनाया ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करें इस बात के ऊपर। मैं आपसे नहीं उमूम बात कर रहा हूँ, जहां तक मेरी बात जा रही है मन बलावा किताबी, जहां तक मेरी बात जा रही है मैं वहां तक कह रहा हूं कि थोड़ा सा कूल हो, ठंडे हो। मैं नहीं चाहता फलां को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे कुछ कहूं तो साबित होगा कि मैं नहीं चाहता। खामोश रहकर भी तो ये साबित किया जा सकता है, उसकी मुस्बत चीजों को भी तो देखकर भी बात साबित की जा सकती है। परवरदिगार आलम या अल्लाह तेरे वास्ता है मौला अली अलैहि सलाम का हमारे इस बैठने पर इबादत शुमार फरमा, हमारा अंजाम बखैर फरमा, साहिब के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।